YouTube चैनल विथ अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, पर हम तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है गाइस। तबीयत ख़राब है मेरा आवाज़ से आप लोगों को पता चल रहा होगा। सर्दी हो गया हमको, कल से ही सर्दी हो गया है। कल परसों का खाया हुआ, कल रिज़ल्ट आया उसका, कल असर किया और कल का सर्दी, फिर आज भी है। आज थोड़ा और ज़्यादा कर दिया है, सर दुख रहा है थोड़ा। तो सर्दी की वजह से आप लोग देख सकते हैं मेरा फेस कैसे दिख रहा है। आज हम नहाए भी नहीं हैं, थोड़ा डल डल लग रहा होगा गाइस। तो सर्दी लग रहा है, फिर भी हम सोचे कि व्लॉग करना चाहिए, क्योंकि व्लॉग किए हुए बहुत दिन हो गया। अगर आप मेरे चैनल पर जाकर देखेंगे तो 5 दिन हो चुका है वीडियो अपलोड नहीं किए हम कोई भी। तो वही हम सोचे कि ब्लॉगिंग करना चाहिए, वरना हम ब्लॉग कैसे करते वही भूल जाएंगे। तो वही हम सोचे कि करते हैं। तो अभी शाम का 5 बज रहा है। वैसे तो आज कुछ खास नहीं है, पर खास तो बनाना पड़ता है ना गाइस। दिन को ऐसे ही सुबह से एकदम बोर लग रहा था, बुखार बीमार तो अभी वही शाम का 5 बज रहा है, तो हम भुट्टा बनाए, इसको गैस में ही बनाए पकाए, अभी गरम गरम खाएंगे। सर्दी में तो गरम गरम खाने का मन करता है ना। अभी थोड़ा देर पहले गरम पानी पिए तो थोड़ा अच्छा लग रहा है गला में। तो इधर है मेरे हबी, अभी नहा धोकर के और बाल कटा के आए हैं, हेयर कट करवाए हैं। आपको अच्छा नहीं लग रहा है हेयर कट? हेयर कट से खुश नहीं है लगता है, भरनों में कटवा कर ना। अच्छा हेयर कट नहीं हुआ है? बीमार तो आप लग रहे, कुछ तो बोलिए। सुबह से मेरा भी तबीयत खराब है। क्या हुआ आपको? सुबह से पेट दर्द हो रहा था। आप धीरे धीरे काहे बोलते हैं? मेरा अभी तो इतना धीरे बोलता है कि हाँ। तो इनका भी तबीयत थोड़ा सुबह से ठीक नहीं लग रहा है, पेट दर्द हो रहा था इनको। तो पेट दर्द था मेरे हबी को, मेरे को सर्दी था। तानी कैसे कैसे हम लोग खाना पीना बना के खा रहे हैं। वही थोड़ा सा मूड फ्रेश करने के लिए हम आज ब्लॉग कर रहे हैं। तो आज भरनों का बाजार है गाइस। तो वही बाजार तो हमको भी गए नहीं है, पर मेरे हबी जा रहे हैं बाजार। वैसे मेन सब्जी तो कल ही ले आए थे, कुछ सब्जी, आज एक आध जो सब्जी लेकर आएंगे। और ये देखिए गाइस, हमारा जो टेबल फैन है ना, ये छोटा वाला, ये ख़राब हो चुका है। नहीं, ये जो सेकंड रूम है हमारा, उसमें तो उसी के लिए एक टेबल फैन लेने जा रहे हैं। हम तो बोले कि हम भी जाते हैं थोड़ा और बाहर का ब्लॉग शूट होगा, पर फिर नहीं जा रहे हैं हम, नहीं जाने का मन कर रहा है। तो वही जाएंगे, मेरे हबी जाएंगे अपने दोस्त के साथ और एक न्यू टेबल फ़ैन लेकर आएंगे। तो जब मेरे हबी लेकर आएंगे टेबल फैन तो आप लोगों को दिखाएंगे गाइस। अभी तो फिलहाल हम भुट्टा इंजॉय करते हैं, मकई गरम गरम बनाए हैं, उसमें थोड़ा नमक लगा लेते हैं और नींबू तो है पर नींबू नहीं डालेंगे, क्योंकि सर्दी है तो पता नहीं और बढ़ जाएगा। तो सर्दी लग रहा है, पर हमको गर्मी भी उतना ही लग रहा है। बाप रे, आज नहाए भी नहीं है हम ना, सर्दी के कारण ही नहीं नहाए और इतना गर्मी भी लग रहा है कि तो ये रहा मेरा मकई। क्या मकई जा रहे हैं? जाइए तब। ठीक से दाम हम पूछ के। तो भुट्टा तो टेस्टी नहीं है, मीठा नहीं है। मम्मी जो लगाती थी ना घर का, मतलब लगाया हुआ मकई ज़्यादा टेस्टी होता है, इसमें तो कुछ स्वाद ही नहीं है। आप लोगों को कैसा मकई पसंद है गाइस, कमेंट करके बताइएगा। हमको तो मीठा मकई पसंद है, जो खाने मीठा लगता है थोड़ा थोड़ा ऐसे ही भून के, पर वो मीठा लगता है।
और फिलहाल तब भी हम दांत से ऐसे करके खा रहे मकई। तो ये इस सीजन का पहला मकई खा रहे गाइस और सीधा सीधा खाना पड़ रहा है। इसका 26 सौ है ना। ये क्या रेट है भैया ये वाला? उषा का, उषा रोक्सी में लेते ना उषा भैया। सुनिए ना, एक रोक्सी का लाइए स्टैंड वाला। हाँ नहीं, इसका क्या रेट है उसको बताइए। हाँ उसका क्या रेट है? तो गाइस हमारा पंखा आ चुका है। पंखा है देखिए, इस डब्बा में है पंखा, हैवल्स का है, पूरा पैक्ड है, ऐसे लंबा वाला है पंखा। इसको अभी फिट करना पड़ेगा, तो उसी के लिए पेचकस लाने गए हैं मेरे हबी अपने फ्रेंड के घर से। तब तक से हम थोड़ा इसको खोल के देखते हैं, खोल के रखते हैं। हैवल्स का स्विंग पेडेस्टल फैन, चलो अच्छा है, 2 इयर्स गारंटी। तो मेरे हबी आ चुके हैं पेचकस लेके। इसको स्क्रू ड्राइवर बोलते हैं ना इंग्लिश में, पेचकस को स्क्रू ड्राइवर, इंग्लिश में स्क्रू ड्राइवर ही बोलते हैं इसको शायद। तो ये नीचे वाला है ना, नीचे वाला है स्टैंड इसका जिस पे खड़ा होगा। कि गाइस इस तरह का जो पंखा है ना वो नीचे दिख रहा है, ये वाला है, ये वाला। तो इसमें सेट करेंगे अभी। तो पंखा कितना लिया पूरा? कितना लगा? फ्री में बताइए ना, MRP 4000 लिखा है। तो कितना लिया? 3000 कुछ बोल रहे थे ना। कितना? 3100। तो ठीक ही है। इस तरह थर्माकोल के अंदर था इसका मेन पार्ट और हमको लगा कि सब निकाल दिए हैं। अब मेन मोटर तो इसका इसी में है क्या, और यही सबसे हेवी है। हमारा पंखा सेटअप हो चुका है। इतना ऊंचा सा पंखा, बड़ा पंखा लिया है इस पर। अब इसको हम लोग चला के देखते हैं कैसे सेट किया है कि नहीं प्रॉपर्ली। तो ये कहाँ पे यूज होता है इसका कुछ पता नहीं, देखेंगे। तो ऊपर में खाली है, इसमें होगा ना, इसी का था। यहाँ पे खाली था उसका है कुछ। हाँ क्या के लिए है वो? बस ऐसे। तो यहाँ पे छेद है, दबेगा। स्टार्ट हो गया। अरे बाप रे, तो पूरा घूम रहा है वो। और सर्दी हो जाएगा। कौन से नंबर में किए? 4। पूरा स्पीड है।
चलिए अब बंद करते, वैसे अभी गर्मी नहीं लग रहा। तो गाइस पर सब सफाई कर लिए हम, यहाँ पंखा सेट हो चुका है और सर्दी बहुत जोर से लग रहा है हमको, बहुत सर्दी हो गया है, ठीक नहीं लग रहा है। तो आज का व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं गाइस। आई होप कि आप लोग को कुछ अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। मेरा जुकाम ठीक करने के लिए कुछ उपाय बताइए गाइस कमेंट में। ऐसा काढ़ा तो हम पी रहे हैं, सुबह में पिए थे, अभी शाम में तो नहीं पिए क्योंकि अभी नहीं थे, तो हम सोचे सिर्फ गर्म पानी पीते हैं करके। फिर कल भी पिए थे, पर कभी कभी सर्दी होना भी चाहिए, शरीर का गंदगी तो सब साफ कर देगा सर्दी होता है। तो चलिए गाइज आज का ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।